अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। तो आज हम बनाने वाले हैं दो अंडे और एक आलू से एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने दो आलू लिए, इन्हें ऊपर से इनको छिलका उतार लेना है इस तरह से। फिर हम इससे इस तरह से क्रश कर लेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह से हमें सारे को कर लेना है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखें जी, हमने यहाँ पे आलू को जो है क्रश कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। ये देखें जी, हमने यहाँ पे ये डाल लिया बाउल में। अब हम इसमें दो अंडे ऐड करेंगे। ये देखें जी, क्वांटिटी के हिसाब से जितना हमने आलू लिया है, जितने हमें अंडे की ज़रूरत थी, हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 चम्मच। ये देखें जी, इस तरह से 1 चम्मच हमने डाल दिया। एक और डालेंगे। ये देखिए जी, हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अब हम साथ में इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। सिर्फ इसमें हम यही दो स्पाइसेस डालेंगे, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालेंगे। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, तो अगर आपके बच्चे कुछ और नहीं खाते, आप उन्हें ब्रेकफास्ट में ये बना के दें। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पे हमने पैन लिया है, उसमें सिर्फ 1 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। हमें इसे फ्राई नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा हमें इसे पकाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था। तो हमने इसे डालना है इस तरह से और इसे फिर अच्छी तरह से सेट कर लेना है पैन में। ये देखें जी, इस तरह से ज़्यादा भी नहीं उसे ऊपर से दबाना, क्योंकि नीचे चिपक जाएगा फिर ये। देखें जी, हमने इसे सेट कर लिया था। अब हम इसे 2 मिनट के एक साइड से पका लेंगे, फिर दूसरी साइड से पकाएंगे इसे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने इसकी साइड चेंज कर लिया। अब हम इसे दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमारे जो आमलेट, आप इसे आमलेट बेल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हम इसे एक प्यारी सी प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखें जी, हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, आप इसे टी टाइम में भी खा सकते हैं। वैसे भी आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, स्पून के साथ खा सकते हैं, आप जैसा चाहें इसे खा सकते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, और अपने बच्चों को भी ये बना के ज़रूर खिलाना है। और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना है कि आपने जब ये ट्राई किया तो ये कैसा बना है। वैसे तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, आप हर बंदे की अपनी पसंद होती है। आपको ये कैसा लगेगा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।